प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल की ईमेल आईडी पर आए एक मैसेज से पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। ये मैसेज कोई आम मैसेज नहीं था, बल्कि मैसेज में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मामले की सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे स्कूल की छानबीन की गई, लेकिन कोई गतिविधि सामने नहीं आई। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर मैसेज भेजने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। उत्तराखंड के डोईवाला में स्थित प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल को ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के बाद से स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मनिंदर सिंह जुनेजा की ओर से कोतवाली में तहरीर दी गई। एमडी ने बताया कि उनके स्कूल की ईमेल आईडी पर दो अलग अलग मेल आया था। मेल में कहा गया था कि आज से 15 नवंबर के बीच किसी भी दिन स्कूल परिसर में लगाया गया बम फट जाएगा। स्कूल की ईमेल आईडी पर प्राप्त हुए मेल से स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे स्कूल की छानबीन की गई, लेकिन ऐसी कोई भी गतिविधि सामने नहीं आई। स्कूल के एमडी की ओर से मिली तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमने खुद अपने स्तर पर चेक किया सारी चीजें, तो मामला ज्यादा पैनिक ना होना, इस वजह से हमने तुरंत इमीडिएटली हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जैसे पुलिस हमको गाइड करती रही, वैसे हम लोग करते रहे। तो मेरा सभी जो अपने हमारे अभिभावक हैं या समाज के प्रमुख लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें आप लोग धैर्य बनाए रखें, स्कूल प्रशासन पूरा आपका सहयोग करेगा और पुलिस प्रशासन इसमें पूरा तत्परता से कार्य कर रही है। तो मेरा भविष्य में यही है कि कोई भी ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों से सहयोग दिया जाएगा और पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।